पैलेट्स कहीं पे नहीं चले। अगर हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान में कहीं पैलेट नहीं चलता। पैलेट्स की बात करें, पैलेट जानवरों पे चलता है। लेकिन पहली हुकूमत एनसी की, जहां पर पैलेट्स कश्मीर के लोगों पे चलाए गए एनसी के सरकार में, दैट इज व्हाट मैं आई एम कमिंग टू दैट, वही मैं आपको बोल रहा हूं। ये माने कि आपकी सरकार में ज्यादा कत्लेआम हुआ, पैलेट्स आपकी सरकार में चला? देखिए मैं, आप ये मानते हैं? इस सवाल का जवाब मैं आपको दे, पैलेट्स कहीं पे नहीं चले। अगर हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान में कहीं पैलेट नहीं चलता। पैलेट्स की बात करें, पैलेट जानवरों पे चलता है। लेकिन पहली हुकूमत एनसी की, जहां पर पैलेट्स कश्मीर के लोगों पे चलाए गए एनसी के सरकार में, दैट इज व्हाट मैं आई एम कमिंग टू दैट, वही मैं आपको बोल रहा हूं। ये मानते हैं कि आपकी सरकार में ज्यादा कत्लेआम हुआ, पैलेट्स आपकी सरकार में चला? देखिए मैं, आप ये मानते हैं? इस सवाल का जवाब मैं आपको दे, एनसी के दौर में जो है पैलेट्स चलाई गई, एनसी के दौर में अफजल गुरु को फांसी दी गई, एनसी के दौर में कत्ले आम हुआ, ये सब जो है वो एनसी के दौरे हुकूमत में ही हुआ। अब एनसी का जो है नया रुख हमें देखने को मिलता है। लोगों पे जुल्म हुआ और जिस तरीके से यहाँ लोगों को मारा गया, वो आप अभी छोटी हैं, आपने देखा नहीं होगा, बट हमने भी देखा। हो रहा है कि अगर पैलेट चलाए गए या सिविलियन किलिंग्स हो गई, उसमें सरकार का कुछ नहीं होता है, जो डिफेंस में होता है उनका, ये तो फिर आजकल के लीडर्स को भी पता है। फिर लीडर्स आप पे क्यों निशाना बना? पर्सन हु वाज वील्डिंग द गन ऑन द ग्राउंड, बंदा कौन है? वो तो हमारा, मेरा उमर अब्दुल्ला नहीं था ना सड़क पे बंदूक ले। द पर्सन विद द गन ऑन द स्ट्रीट वाज अ यूनिफॉर्म पर्सन, वाज सपोज्ड टू बी शॉट below the knees. Ab unfortunately that SOP was not followed by the security people. So that is something that we need to look into. We need to ask questions ki yaar ye SOPs kyun nahi follow kar? Delhi gaye, kya baat hui Delhi mein? Kisne aapko majboor kiya ki yahan se aap PAGD se withdraw karne ke liye? So ye sab cheeze manzar-e-aam pe aani chahiye. Masoodi sahab has rahe. Yaar aapko ye dimag mein hona chahiye. Mujhe ye samajh nahi aa raha hai, chahe Sajjad Ghani loan ho ya Altaf Bukhari ho. अननेसेसरी ये नैरेटिव फैलाया। 303 एमपीज है और हर किसी एमपी को 5-5 मिनट होते हैं। उस टाइम पर डे क्या करता है फिर स्पीकर? 303 एमपीज का टाइम वो बराबर 8 घंटे तक बोल सकते हैं और यहाँ से आप कुछ नहीं बोल सकते। मैं इसे आप, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं। दे शुड अंडरस्टैंड, देखिए झूठ पे, फेक नैरेटिव पे जो है सियासत करना आपने बहुत बहुत अच्छे से करते हो। आदम नाजरीन, अभी हमारे साथ मौजूद है एनसी के स्टेट स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार। इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम किसी लीडर के पास जाते हैं तो एनसी को एक बात के लिए टारगेट किया जाता है 70 सालों के लिए, क्या कुछ उन्होंने किया है? आज इसी सब के बारे में हम आज इनसे बात करेंगे। खुश आमदीद। शुक्रिया। अब हमें बताएं, सबसे पहला हमारा सवाल आपसे रहेगा कि जब भी बात उठती है डेवलपमेंट की, बेरोजगारी की, सबसे ज्यादा पहले निशाना जो है वो एनसी पे उठता है कि इन्होंने जो है लीडरशिप की है कश्मीर में सबसे ज्यादा 70 साल, तो क्या कुछ आपने किया, आप हमें बताएं। देखिए सबसे पहले बहुत लोगों को एक गलत तासुर है 70 सालों का, मैं आपके ज़रिए से ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टोटल सरकार में जो रही है जे एंड के में, जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ है, 23 ईयर्स यहाँ पे रहे हैं, ठीक है। उसमें 12 साल हमारा बराबर विदाउट एनी कोलिशन के साथ रहा, 12 से ज़्यादा, और आधे से ज़्यादा कहने का मतलब ये है वी वर इन कोलिशन। पहले तो कांग्रेस के साथ हम कोलिशन में रहे, अभी आपको रिसेंटली पता होगा जब हमारी हुकूमत थी उमर साहब की 2008 से 2009 से लेकर 2014 तक, वो भी हम कोलिशन में थे। उससे पहले आप मुझे बताइए 96 से लेकर 2002 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, फिर 2002 से PDP और कांग्रेस थी, फिर 2014 से तो BJP थी। अब आप हमसे 23 साल का जो आप हिसाब मांग रहे हैं वो मैं बाज़ाब्ता दूंगा, वो अभी हमारे इंस्टीट्यूशंस यहाँ। आप मुझे बोलिए कि आप पिछले 8 सालों में BJP ने क्या किया? वो जो बुलंद बाग दावे BJP की तरफ से हो रहे थे पूरी कंट्री में कि डबल इंजन सरकार है, क्या यहाँ के लोगों को मिला? आप मुझे बताइए कोई नया उन्होंने पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, किसी नए बिल्डिंग का कोई नया प्रोजेक्ट कहीं पे, कोई ऐसा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया जो उन्होंने किया हो? वो तो सारा वही इनॉग्रेट कर रहे हैं जो पिछली सरकारों ने किया। आप ये देखिए हाईवे, देखिए 4-लेन हाईवे, ये कब स्टार्ट हुआ इसका काम? ये कंसेप्शन कहाँ से हुआ? जब उमर साहब SCM थे और UPA सरकार में हुआ। ये जो आप हाईवे NH44 की बात कर रहे हैं, ये सारा जो है ये
जो नया टनल बना है जिसको इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल का नाम, वो कब कंसीव हुआ है? वो सारे काम यूपीए सरकार में, जब उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ पर सीएम थे। और अगर हम इससे पीछे जाएंगे, आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ हम पीछे हैं, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, या कोई भी जो पब्लिक सेक्टर में जिसका इन्वॉल्वमेंट हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर किसी जगह पे इन्वॉल्वमेंट रहा, एसएमएचएस हॉस्पिटल, स्किम्स हॉस्पिटल जो पूरे नॉर्थ इंडिया में उस टाइम पे नंबर वन एट पार विद एम्स माना जाता था। फिर बदकिस्मती की बात यह है कि 90s में मिलिटेंसी में जैसा हर किसी इंस्टीट्यूशन और हर किसी जो है जो यहाँ पर स्ट्रक्चर था उसको बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा, स्किम्स को भी वैसा ही नुकसान पहुँचा। उसके बावजूद जब फारूक साहब 96 में चीफ मिनिस्टर बने, मैं आपसे गुजारिश करूँगा क्योंकि आप मीडिया में हैं, आप जो है इस प्रोपेगेंडा की तरफ मत देखा करें, जस्ट चेक द फैक्ट्स, द फैक्ट्स आर देयर फॉर यू टू, मतलब आपको आपके आंखें खुल जाएंगी और आपके साथ, क्योंकि आपका जो चैनल है बहुत लोग देखते हैं और उन लोगों को भी पता चलेगा कि कितने काम हुए हैं। 1.5 लाख उस टाइम पे जो नौकरियां फारूक साहब के टाइम पे एक सेक्टर में लग गई, खास अच्छा आरईटीज जो फिर उमर साहब की सरकार ये तो रही डेवलपमेंट्स की बात, आप ये मानते हैं कि आपकी सरकार में ज्यादा कत्लेआम हुआ, पैलेट साहब की सरकार में चला? देखिए मैं, आप ये मानते हैं? नहीं, मैं इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ। हमारा जो एक सिविलियन सरकार का, सिविलियन गवर्नमेंट का जो काम होता है यही होता है कि आपको डेवलपमेंट देखना है, बाकी जो लॉ और लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है, उस टाइम पे एक कमांड होती थी, एचक्यू कमांड, और चीफ मिनिस्टर वॉज द हेड ऑफ दैट एचक्यू कमांड, ठीक है। बट उसमें जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग जो आइडियाज और ओपिनियंस आते थे वो कहाँ से आते थे? जे एंड के पुलिस से आते थे, या जो आर्मी या सीआरपीएफ होती थी। सो दे आर द पर्सन्स हु हैव टेकन, मतलब उनको लगा कि उस टाइम पे ये डिसीजन लेना, ये उनका डिसीजन था, सिविलियन गवर्नमेंट का ये डिसीजन नहीं होता है। देखिए सिविलियन गवर्नमेंट का काम ये है कि उनको इंश्योर करना है कि स्टेट में हालात ठीक रहे। उस टाइम पे बिकॉज आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट, सो मैं ये बोल नहीं सकता हूँ कि किन वजूहात की वजह से उस टाइम पे ऐसा डिसीजन लिया गया, चाहे आप किसी 2010 की बात करें। और वैसे भी उमर साहब ने हैज पब्लिकली अपोलोजाइज्ड इन द असेंबली आल्सो, सो जो वो तो रही वो वाली बात। मैं आपको ये बोलती हूँ कि हम नहीं बोलते हैं, या आप एलिगेशंस आ रही है, या अगर हम बात करें लोगों की, लोग भी यही बोलते हैं कि अगर ग्राउंड लेवल की बात करें कि एनसी के दौर में जो है पैलेट्स चलाई गई, एनसी के दौर में अफजल गुरु को फांसी दी गई, एनसी के दौर में कत्ले आम हुआ, ये सब जो है वो एनसी के दौरे हुकूमत में ही हुआ। अब एनसी का जो है नया रुख हमें देखने को मिलता है। एनसी की तब वाली सरकार क्या थी और आज वाली सरकार क्या है, क्योंकि लीडर्स को भी पता है, आज लोगों को भी पता चला, आप इस सब के बारे में क्या कहेंगे? देखिए मतलब आपने बहुत कुछ बोला, बहुत मुझे इस चीज़ का जवाब ज़रूरी देना है, खासकर जो आपने बात की अबाउट किलिंग्स। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पिछले 30 सालों से एक इंसर्जेंसी में रह रहे हैं और यहाँ पर ऐसे वाकात पेश आए जो अल्लाह ताला बचाए, जो आंखें देखनी नहीं चाहिए थी। मतलब जिस तरीके से यहाँ लोगों पे जुल्म हुआ और जिस तरीके से यहाँ लोगों को मारा गया, वो आप अभी छोटी हैं, आपने देखा नहीं होगा, बट हमने भी देखा। पैलेट्स की अगर हम बात करूं, पैलेट्स कहीं पे नहीं चले। अगर हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान में कहीं पैलेट नहीं चलता। पैलेट्स की बात करें, पैलेट जानवरों पे चलता है, लेकिन पहली हुकूमत एनसी की जहां पर पैलेट्स कश्मीर के लोगों पे चलाए गए एनसी के सरकार में, दैट इज व्हाट मैं आई एम कमिंग टू दैट, वही मैं आपको बोल रहा हूं ना। द पॉइंट इज कि आपको जिस तरीके से एक नैरेटिव बिल्डअप हो गया पूरे कश्मीर में, खासकर ये जो आप पैलेट्स की बात कर रहे हैं, ये डिसीजन एक सिविलियन हुकूमत का नहीं होता है, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये डिसीजंस लेते हैं वो बंदे जो हु आर आफ्टर जो सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज देखते हैं। चीफ मिनिस्टर को जो अपनी इर्द गिर्द उसके जो सिक्योरिटी वाले हैं, ही कैन नॉट टेक डिसीजंस इन आइसोलेशन, अगर ऐसा है टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन सिक्योरिटी इनपुट। जैसे आज भी मुझे आप एक बात बताइए, आज फॉर एग्जांपल इस टाइम पे गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है, आज ये जो अभी आपने भी देखा, ये जो बच्चे आज सड़कों पे आ रहे हैं, ये जो कल
गवर्नमेंट ने एक फिगर इजरा किया और उस फिगर में उन्होंने ये बोला कि हमने 30,000 जॉब्स जो है यहाँ पर दिए हैं। नहीं, आप बात को टाल रहे हैं। मैं बात ही टाल, मैं आई एम ट्राइंग टू कम टू योर पॉइंट जो आप बोल रही हैं। मैं मानता हूँ कहीं पर नोबडी इज, अगर आप बोल रहे हैं कि अगर आप बोल रहे हैं कि अगर पैलेट चलाए गए या सिविलियन किलिंग्स हो गई उसमें सरकार का कुछ नहीं होता है, जो डिफेंस में होता है उनका, ये तो फिर आजकल के लीडर्स को भी पता है, फिर लीडर्स आप पे क्यों निशाना बनाते हैं? That is what मैं वही बोल रहा हूँ, that is what I'm saying कि वो नहीं हुआ होना चाहिए था जो उस टाइम पे जिस तरीके का एनसी को जिम्मेदार ठहराते हो। मैं बोल रहा हूँ चाहे जो भी हो, the person who was wielding the gun on the ground, बंदा कौन है? वो तो हमारा, मेरा उमर अब्दुल्ला नहीं था ना सड़क पे बंदूक लेकर। द पर्सन विद द गन ऑन द स्ट्रीट वॉज ए यूनिफॉर्म पर्सन। अब आप क्वेश्चन करिए, आप ऑब्वियसली वी आर रिस्पॉन्सिबल, मतलब हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट ये आपको देखना है कि उन्होंने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग एक SOPs होते हैं, देयर वॉज, अगर आपने ये बोल रहे हैं ना आप, ये जो 2010 में पैलेट गन्स आए उसके साथ एक SOP भी आया था। There was an SOP which was clear कि किस तरीके से, for example, उस गन का इस्तेमाल करना है। That gun was supposed to be shot below the knees. अब unfortunately that SOP was not followed by the security people. So that is something that we need to look into. We need to ask questions कि यार ये SOPs क्यों नहीं follow करते हैं? SOPs हर किसी जगह पे, अगर government officials को, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये SOPs तो काम है सिक्योरिटी फोर्सेस का। अब उन्होंने अपना काम सीधे नहीं किया, सो बट आई एग्री वी आर ऑल्सो पार्टली रिस्पॉन्सिबल। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमने, हमारी तरफ से हर कोई काम ठीक हुआ, बट ये आपको देखना पड़ेगा कि दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। मतलब यू कैन नॉट हैव एक एब्सोल्यूट सिस्टम, नहीं हो सकता है जहां पे सब कुछ मतलब आपके एज पर योर ओन विम्स एंड विशेस होंगे। देयर विल बी प्रॉब्लम्स आल्सो। अनफॉर्चुनेटली वी रिग्रेट इट, आवर पार्टी लीडरशिप रिग्रेट्स व्हाट हैज हैपेंड इन 2010। ही इवन, उमर अब्दुल्ला इवन वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ ऑफरिंग एन अनकंडीशनल अपॉलजी इन द असेंबली आल्सो। और क्या बोल सकता हूँ मैं, बिकॉज आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट सिस्टम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई कैन जस्ट से दैट इट इज अनफॉर्चुनेट व्हाट हैज हैपेंड इन 2000। इट शुड नॉट हैव हैपेंड। इलेक्शंस आ रहे हैं, हर कोई जो है अपना मैनिफेस्टो रख रहा है, लेकिन जो एनसी है, एनसी भी बोल रहे हैं कि हम जो है 370 उसको वापस लाएंगे जो हमारा हक है, लेकिन एनसी ही वो है जिन्होंने, जब इन्हीं के पार्लियामेंट मेंबर जो हसनैन मसूदी जब वो वहाँ पर थे, ये एलिगेशंस आ रही है लीडर्स की तरफ से कि तब वो हंस रहे थे, तब तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब जब पार्टी की इलेक्शंस की वोट्स की बात आ रही है, अब आप जो है इस चीज़ को एक साइन बना रहे हैं कि 370 को वापस लाएंगे। सबसे पहले अभी इलेक्शंस की कहीं बात हो नहीं रही है अभी, मतलब जो इलेक्टोरल रोल्स भी हम देखते हैं आप सबके, मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल जब इलेक्शन की बात तब होगी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करेगा इलेक्शन, सो अभी ऐसी बात हुई नहीं। दूसरी ये बात कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी कोई अपना जो है मैनिफेस्टो, जैसे आप बोल रहे हैं, अभी हमने कोई ऐसा मैनिफेस्टो बनाया नहीं, वो तब बनेगा जब हमारा जब इलेक्शन अनाउंस होंगे, और तब हम 370 की बात नहीं होगी। नहीं, आप, मैम कंप्लीट करने दीजिए ना मुझे। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस टाइम पे एक जंग लड़ रही है बाकी तंजीमों के साथ। जब फारूक साहब ने एक डिसीजन लिया कि PAGD हम बनाएंगे, तो PAGD का मेन ऑब्जेक्टिव है क्या हमारे पास इस टाइम पे? हमारे जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने बालाई ताक रखे हैं। इस टाइम पे मेन ऑब्जेक्टिव जो है PAGD का, वी हैव टू गो बैक टू सिचुएशन अगस्त 4, जो अगस्त 4, 2019 में सिचुएशन थी। वी आर फाइटिंग टू गेट दैट सिचुएशन, टू गेट दैट स्टेटस को बैक। इस टाइम पे हम सब की कोशिश उसी तरफ है। अब जो ये बाकी लोग सवाल पूछ रहे हैं, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए कि अगर हम उस सिचुएशन की तरफ लड़ रहे हैं, आप क्यों नहीं हमारा उसमें सपोर्ट कर रहे? इनफैक्ट आप भी उसी सिस्टम के एक हिस्सा थे। आप ये अभी तक लोगों को क्यों नहीं बोल रहे हैं जब आप दिल्ली गए? क्या बात हुई दिल्ली में? किसने आपको मजबूर किया कि यहाँ से आप PAGD से विड्रॉ करने के लिए? सो ये सब चीज़ें मंजरेआम पे आनी चाहिए। मैं किसी पे जो है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट पॉलिटिकल लाइफ में आपको अपने लोगों को और जो आपके हरीफ हैं, आपको उनको एक्सप्लेन करना है कि व्हाई डिड यू मूव आउट ऑफ PAGD, व्हाट इज द मेन रीजन। हम
मैं चेयर के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रहा हूँ, मेरे लीडर फारूक साहब इज नॉट फाइटिंग फॉर चेयर। अच्छा, दूसरा हसनैन मसूदी साहब हंस रहे। यार आपको ये दिमाग में होना चाहिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, चाहे सजाद गनी लोन हो या अल्ताफ बुखारी हो, अननेसेसरी ये नैरेटिव फैलाया है। 303 MPs हैं पार्लियामेंट में, हमारे 3 MPs हैं। आप उसको शायद या तो उनको ये पता है या तो वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। टाइम होता है वहां पर बात करने का, और आप किसी के somebody is silent and he was not smiling. Let me first clarify this. He was not smiling at all. उस वो बंदे की शक्ल ही ऐसी है। आप किसी को बोलोगे जी आप मनहूस होके बैठो, जब उसकी शक्ल ये नहीं मनहूस, मनहूसियत की शक्ल, वो क्यों बैठेगा वैसे? ये तो लीडर्स के नहीं, मैं आपके थ्रू उनको ही बोल रहा हूँ। सो बट यू आर क्वेश्चनिंग इट। और दूसरा, उनने कुछ नहीं बोला। 303 MPs हैं और हर किसी MP को 5-5 मिनट होते हैं। उस टाइम पे पर डे क्या करता है फिर स्पीकर? 303 MPs का टाइम, वो बराबर 8 घंटे तक बोल सकते हैं और यहां से आप कुछ नहीं बोल सकते हो। सो इट इज अ मैटर ऑफ स्ट्रेंथ, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। यू आर ऑल्सो ए जर्नलिस्ट, यू शुड ऑल्सो नो दिस। एंड आपको उनको बोलना चाहिए कि ऐसा है, वो कैसे बोलेंगे, उनके पास टाइम ही नहीं है। MPs को 5 मिनट मिलते हैं बात करने को और हमारे पास 3 MPs है और बीजेपी के पास 303 MP। अब आप डू द मैथ एंड यू विल कम टू नो हु कैन स्पीक मोर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान आता है कि अगर कश्मीर को बचाना हर एक पार्टी को एकजुट रहना पड़ेगा, उसका उनका ये मतलब था कि भाजपा के खिलाफ अगर हमें लड़ना है। देखिए इस टाइम पे तो हुकूमत में वही है obviously, उसका तो वही मतलब है। इसका मतलब ये है कि जब आप फॉर एग्जांपल आप इलेक्शंस में उतरते हो और आप जीत भी जाते हैं, लेकिन लीडर जो है वो दावा ये कर रहे हैं कि अगर NC की सरकार हो या PDP की सरकार हो, मिलना तो इनको फिर लास्ट में भाजपा के साथ ही है। अभी आप उनके खिलाफ है लेकिन मिलना तो आपको उनके साथ ही है। समझ नहीं आती उनको क्या आप जवाब? मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, वो कौन लोग है, क्यों उनको पता है यहाँ का स्ट्रक्चर क्या है? वी लिव इन अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर में हर किसी स्टेट को अपने तरीके से काम करने का हक है। सबसे पहले अगर हम इंशाल्लाह, जो पूरी उम्मीद है कि हम कल जीतेंगे फेडरली, हमको सेंटर के साथ बात करनी पड़ेगी, हम बात करेंगे। उसमें कौन सी मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी आप देखिए TMC वाले, मतलब वो उनका हुकूमत वेस्ट बंगाल में है तो वो यूनियन मिनिस्टर्स के साथ उनके कोई इशू, वो उनके साथ बात नहीं करते हैं। या केरला में CPM की सरकार है, वो फिर यहाँ के इनसे बात नहीं करती, कोई इशू होता है वो होम मिनिस्टर के पास नहीं जाते। सो वी लिव इन ए फेडरल स्ट्रक्चर। हमारा एक जो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, आप वो पढ़िए। और देन व्हेन आई से आप, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, दे शुड अंडरस्टैंड। देखिए झूठ पे, फेक नैरेटिव पे जो है सियासत करना आपने बहुत बहुत अच्छे से करते हो आप, मगर फैक्ट्स फैक्ट्स को आप झुठला नहीं सकते हो। फैक्ट्स आर फैक्ट्स। यही मैं आपको फैक्ट बोल रहा हूँ कि फेडरल स्ट्रक्चर में एक सेंटर और स्टेट की रिलेशनशिप होती है, और वो रिलेशनशिप मुझे लगता है कि उनको भी, क्योंकि वो भी हिस्सा रह चुके हैं हुकूमत के, उनको भी पता है, वो तो खुद डील करते थे। तो इसमें तो मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए कहीं पर। हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ NC के स्टेट स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार। फिलहाल के लिए इतना ही, आप दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।